शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश। अरे कहाँ थी तुम? मंदिर से घर आने में इतनी देर लगे है। वो बापू, मैं इन्होंने कौन है? अरे क्या कह रही है तू? मैं थारे से पूछ रहा हूँ। वो बापू, मैं मंदिर में थी, अंधेरा हो गया तो मैं घबरा गई। इसीलिए कहता हूँ सांझ पड़े घर से मत निकला करो। अरे चूहे जैसा तो काल जाए तेरा। चल अब घर चल। चल अब। तब से टॉफियां चबा रहा है। शर्म कर भी शर्म, क्यों ली तूने उनसे ये टॉफियां? उन्होंने बोला कि वो हमारे दोस्त हैं। और दोस्त बनके सब कुछ जान लिया ना थारे से कि मैं कहां जाती हूँ, क्या करती हूँ? थोड़ी सी टॉफियों के लिए तूने अपने घर की सारी बातें बता दी उन्हें। सारी नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि जीजी तालाब और मंदिर। जीजी, अगर मारे को पता होता तो फिर मैं ऐसा कभी ना करता। आपकी कंटा की सौगंध। घीसू, घीसू रुक, घीसू। तू क्यों हंस रही है? सच में कुंवर साने कहा कि वो इसे चुप कर रहा था जी, तो अब आप क्या करोगे? गेली हो गई है कि तू जाने है ना, ये प्रेम प्यार की बातें मारे वास्ते नहीं है। मारे लिए ये घर चलाना जरूरी, पापू का ध्यान रखना, थारे और घीसू का। मुझे कुंवर सा जिद पकड़ के बैठ गए तो? सपना मत देखा हमारे को रसाल, मारे हर सपने में दाग भी देखे हैं मरने। आज वो कुंवर सा इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि ये दाग अभी उनकी नजरों के सामने आए ना है। जिस दिन देख लेंगे ना, उसी दिन अपने हाथों से अपने प्रेम का श्राद्ध कराएंगे। जी जी, आप ना चाहती ना कि वो आपका ये दाग देखे, वरना उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये दाग आप दिखा चुकी होती। दुनिया जाने है हमारे दाग के बारे में रसा, फिर भी कभी सोचा है इसे क्यों छुपाऊं हूं मैं? क्योंकि मैं जानू हूं एक बदसूरत चेहरा सबका दिन बिगाड़ने की ताकत रखे। मैंने देखा है लोगा को, हमारा चेहरा देखकर मुंह बिगाड़ते हुए
बहुत पीड़ा हो गई है रसा। जब मारी वजह से किसी के चेहरे से मुस्कुराहट खो जावे, क्यों इतना तो कपड़े अंदर भर के रखा है अपने? आप बहुत सुंदर हो, मत दिया कर इतनी झूठी दिलासा रसा। पीड़ा और बढ़ जावे है, ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। की चटनी वे, अरे समझ के भांजे, जो भी चखे। समझ के भांजे, समझ के लहसुन की चटनी, समझ के भूमि जो लहसुन की चटनी चाहिए। ठीक है, चल चल चल। रहने दो मम्मी, क्या बात है भाई साहब, आज आप काफी देर तक सोते रहे और चाय भी नहीं पी आप। चाय? अरे आने का इंतजार कर रही हो कि तू आएगा और दोनों भाई बैठ के बढ़िया सी चाय पियेंगे। मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ भाई साहब। इतनी जल्दी? 11 बज गए। अरे पद्मा तूने उठाया नहीं? भाई साहब आपसे अभी अभी उठाओ, अब तो शुरू मत हो जाओ। मुझे अच्छी बातें बोलना है तो बोल, ये सुबह सुबह शिकायत मत कर दो। अच्छा विनती तो कर सकता हूँ ना भाई साहब? जानो कि मारी भी कुछ जिम्मेदारी है, बुरा लगता है जब पूरा नहीं कर पाता हूँ, मगर के करो। कल रात को भी मैंने ठान ली थी कि घर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त की बहन की सगाई थी, जाना ही पड़ा। देर हो गई वहां, और कसम खाता हूं आज के बाद घर जल्दी आ जाऊंगा और ना ही दोस्तों के साथ बैठूंगा। कुछ भाई साहब राजपूत जब वचन देते हैं तो निभाते भी हैं। छोटे तू कोई बात पकड़ कर बैठ जावे तो बैठ ही जावे, मारे पे भरोसा नहीं है तन्ने? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, जाने तुम्हारी। अच्छा भाई साहब ताया से आपसे बहुत नाराज है, आप जल्दी से तैयार होके फैक्ट्री चले जाइए। तू जा, मैं थारे पीछे आता हूं। जी भाई साहब। देख कह रही है। भाई हमारा जान छिड़कता है हमारे पे, बहुत भरोसा है हमारे पे, समझे? समझे।
बेवकूफ साला। अरे भांजे तू अठे, मैं तने सारी हवेली ढूंढ गया। क्या बात है मामा साहब, आपको कुछ काम था मुझसे? भूल गया, वो अंग्रेज क्लाइंट को होटल के लिए जमीन दिखानी है। आप कल इसी वक्त आएंगे? अरे इतना सोचेगा तो वो अंग्रेज क्लाइंट हवाई जहाज लेके अपने देश चले जाएंगे, समझो? लेट्स गो। मामा साहब मुझे बहुत जरूरी काम था कि अंग्रेज क्लाइंट्स को आप ही जमीन दिखा दीजिए ना। मैं थारे को मालूम है थारा ताया सा मारे पे कितना विश्वास करे हा? वो अंग्रेज क्लाइंट को गाड़ी नहीं दिखाने देवे, जमीन की बात तो बहुत दूर की है। मामा साहब अभी इतना बड़ा काम भी नहीं है आपके लिए, और फिर हमारी सारी जमीनों के बारे में आपको तो पता ही है, तो फिर दिखा दीजिए। भांजे मारी नजर तो है, मतलब है मैंने मालूम तो है जमीन के बारे में। ठीक है, मामा का काम तो हमें भांजे की मदद करना है। माँ माँ मतलब दो दो माँ है। ठीक है ठीक है, मैं संभाल लूंगा। जा जा। थैंक यू थैंक यू। तो मुझे कहना चाहिए भांजे, तूने मेरे को बिजनेस में शामिल कर लिया है, ध्यान रखना सुमेर सिंह, समझो? लेट्स गो। जी कोई बात ना, अगर आपका मन ना कर रहा है जाने को तो ना जाओ, दो एक दिन में चक्कर काट के वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको ना मिलना है उनसे। भाई साहब आज आपने अब तक तैयारी ना की जाने की? माँ वो मिट्टी खत्म हो गई तो रात में मैं मूर्तियां नहीं बना सकी। मिट्टी खत्म होगी? मिट्टी तो घर में खत्म हुई होगी ना, तालाब किनारे की मिट्टी तो एक दिन में कड़ी होकर पत्थर ना बनी होगी। रे छोरी साफ क्यों नहीं कहती तू कि तुम्हारो मन नहीं है काम करने का? रे भाई साहब हाथ जोड़ू आपके, आपका तो मां ऐसा क्यों बोल रही हो आप? कभी कोई कमी छोड़ी है क्या जीजी ने काम करने में? हाँ हाँ, घर को सारा काम तो यही करे, मैं तो बस बैठे बैठे राम जी नो जपू। भाई साहब मैं मिट्टी ले आऊं तालाब से, तो आपके हाथों की मेहंदी खराब होती हो तो? नहीं नहीं माँ, मैं ले आऊंगी, मैं चलती हूँ। माता जी की सर। जय माता जी की। कहो हुकुम, क्या दिखाऊं? नहीं कुछ लेना नहीं है, वो लड़की जो यहाँ मूर्तियां बेचती है वो आई नहीं आज। ऐसे पता तो ना है कि क्यों ना आई। जी जी धन्यवाद। एक कागज और पेन मिलेगा? हमारा नंबर है, वो आए तो उनसे फोन करवा दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। ब्यूटीफुल प्लेस, आइए आइए दिखाता हूं, आइए आइए, ये देखिए। द प्लेस इज नियर बाय मेन रोड। ये होटल के लिए एकदम बढ़िया जगह है हुकुम। Perfect place for a hotel. But I require more land. Is this land also yours? Wow, अभी मेरी है। Beautiful. आपको देखनी है? Let's go. अरे चल रे, जल्दी कर, हटा हटा।
सब लोग आए कम 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 एकदम बढ़िया। अरे अब बताना रे ने, तेरे को धूप सेकने के पैसे देता हूँ क्या मैं? इट्स देयर लैंड परफेक्ट प्लेस फॉर ए होटल। सुमेर सिंह अरे यो पागल सांड अठे कठे सो आ गया। तू अठे मेरी जमीन पे क्या कर रही हो हा? तेरी हिम्मत कया हुई मेरी जमीन पे पाव धरने की? आपकी जमीन? लेकिन ये तो कह रहे थे जमीन इनकी है। ये हमें होटल बनाने के लिए बेच रहे थे ये जमीन। तू मेरी जमीन बेचेगो? अरे मैं तन्ने और तेरे पूरे खानदान ने जिंदा जमीन में गाड़ दूंगो। गलत है। अरे चलो रे, ए राधे, ए राधे, ए राधे, ए राधे, चल बाहर, मैं पागल रे, निकल पागल रे, पागल, ए चलो, चलो चलो, ये बेचने हैं। बीकानेर से मालसिंह जी ने अपनी बेटी को रिश्तों भेजो है रणवीर की। आप कहें तो उन्हें बुला ले। बुला ले मेघ, लेकिन हाँ करने से पहले 100 बार सोचें। रणवीर अपना हीरा है, हीरा। इसकी बीनड़ी भी लाखों में एक होनी चाहिए। भार सिंह, ठहरो। भारी हवेली में घुसकर मने ललकारने की हिम्मत कहां से आई तुझमें मदन सिंह? आना पड़ा भंवर सिंह, पिछले 18 साल से कचेरी में मारी उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है जिसे तू हड़पना चाहता है। लेकिन आज तक तूने हद पार नहीं की तो मैं भी चुप बैठा रहा। पर आज ऐसा हुआ कि कोई भी इज्जतदार किसान चुप नहीं बैठेगा। अरे मारी जमीन पे पाव रखने वाले की टांगे काटने की हिम्मत रखता हूं मैं। धमकियां देना मारे को भी आता है। जोर जबरदस्ती से अगर थारी जमीन पर कब्जो करना हो तो 18 साल इंतजार नहीं करता मैं। मारी ताकत को अंदाजो है थारे को। जानू हूं भंवर सिंह, थारे जैसा ठाकुरा की ताकत के हुए है। पर एक बात का ध्यान रखना, जे दोबारा मारी जमीन पर थारा कोई लोग नजर आया तो फिर शमशान में मारे अकेले की चिता नहीं जल रही होगी, अर्थियां थारे घर से भी उठेगी। मदन सिंह, हमारे आदमी कब थारी जमीन पे आए? मेघ सिंह भोला अपन उतना ही दिखा जितने पे भरोसा किया जा सके। अब ये मत कहना कि सुमेर सिंह गोरे ग्राहकों को लेकर के पहुंच गया मेरे खेत में, उसकी खबर तुम लोगों को नहीं है। भंवर सिंह, चेतावनी देने आया हूं, जो थारे से यह गलती दोबारा हुई तो घर की लुगाइयां ने कह देना कि नई चूड़ियां नहीं खरीदे, न जाने कितने दिन हाथ में टिकेगी। कोई भरोसा नहीं। मदन सिंह, ये तूने जो कहा वो सच है तो मैं बात करूंगा सुमेर सिंह से, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मारो वायदो है थारे से, भूल जाऊंगा कि तू बहुत छोटा है जिसके ऊपर भंवर सिंह के घर से तलवार उठे, भूल जाऊंगा कि तू बाल बच्चे वाला इंसान है। याद रखूंगा तो सिर्फ इतना कि तूने मारी हवेली में आकर मने ललकारा है और इस ललकार का जवाब देना है मन ने। सुमेर सिंह को बुलाओ। फंस गयो सुमेर सिंह, मामलो टेढ़ो हो गयो, निकल ले नहीं तो मरेगा, समझो। लेट्स गो। कोजा,
क्या हुआ? इतनी दूर से दोस्त मिलने आया है और तू यहाँ मुंह फेर के खड़ा है? इधर देख। कोई तो दोस्त नहीं हो आप मारे। अगर दोस्त होते तो फिर जीजी से मंदिर ना मिलने जाते और मने को डांट भी ना मिलती आपके वजह से। अरे तुझसे किसने बोला कि मैं मंदिर तेरी जीजी से मिलने गया था? हाँ इधर सुन। अरे मेरा मन हुआ कि मैं अपने दोस्त खीसू से मिल, फिर सोचा इस वक्त खीसू कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। फिर याद है आज सुबह तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मंदिर में मिलोगे, बस वहाँ पहुँच गया। आप झूठ बोले कौसा, अगर आप माहिर से मिलने आए थे तो फिर जीजी से बात क्यों की? अरे अच्छा एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। तो बस तो उसकी बहन मेरी क्या लगी? बहन? अरे बहन नहीं केले, दोस्त की बहन मेरी दोस्ती लगी ना। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं अपने दोस्त का हालचाल। मैं गया और उसे तेरे बारे में पूछा, लेकिन वो तो घबरा कर भाग गई। अब अगर उसको इतना बुरा लगा है तो ठीक है, मैं कल जाकर माफी मांग लूंगा उसे। कल नहीं आज ही, वो तालाब में से मिट्टी लेने गई है, जाओ माफी मांगो। अभी मेरा मतलब गुस्सा हो गई तो? माफी मांगोगे तो क्यों होगी, अभी जाओ। ठीक है। अच्छा ये ले, ये रही चॉकलेट, ले ले, ये फिर से हमारी दोस्ती शुरू होने के लिए। हम्म, मैं जाता हूं। नाराज हूं, माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरा विश्वास करो रुक्मी, मेरे अंदर कोई खोट नहीं, मैंने मन से तुम्हें। आप जाइए यहां से कोसा। क्यों? हम्म, क्यों जाऊं मैं यहां से और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे, क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मी आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा।